हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू येट अनदर फेयरली नेटिजेट वीडियो। सो गाइस, आज मैं आपके साथ एक प्रॉब्लम यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। किसी ने इसकी क्रोम स्ट्रिप जो है यहाँ से थोड़ी सी उखाड़ दी है। सो आज इसको कोशिश करनी है चिपकाने की, क्योंकि ये नॉर्मल प्लास्टिक वाली नहीं है, ये मेटल वाली है। एंड बेसिकली ये ना जो क्रोम जो वेदर स्ट्रिप है पीछे रबर की, उस पर चढ़ी हुई है, चिपकी नहीं हुई। सो यहाँ पे मेरे पास उसे चढ़ाने का ऑप्शन नहीं है, क्योंकि वहाँ पे थोड़ी बेंड हो चुकी है। वो भी रिपेयर करने की मैंने ट्राई की है अभी, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। बट हाँ, हमने ये भी सोचा कि इसको चिपकाया कैसे जाए, क्योंकि काफ़ी देर तक इसको पकड़ना पड़ेगा। एंड अभी पापा ने ये आइडिया बहुत अच्छा दिया कि इसको यहाँ से ऐसे पकड़ के ओवर अ क्लोथ क्लैंप के साथ बांध देंगे। सो आधा पौना घंटा आराम से निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। बट हाँ, अनफॉर्चुनेटली दरवाज़ा बंद नहीं कर सकते, क्योंकि दरवाज़ा बंद होएगा ही नहीं, क्योंकि क्लैंप वहाँ पर फंस रहा है। सो ये क्लैंप को यहाँ पे फिट करते हुए एंड अभी इसकी टेस्टिंग ये हो रही है कि हाँ ये सक्सेसफुल है कि नहीं। और पीछे आप नोटिस करो, क्रोम स्ट्रिप बिल्कुल परफेक्ट तरीके से यहाँ पे बैठ गई है। नॉट एंटायरली परफेक्ट, बट हाँ इट इज़ परफेक्ट। सो नीचे का एरिया थोड़ा बहुत जितना मैक्सिमम क्लीन हो सकता था इस पर्टिकुलर माइक्रोफाइबर कपड़े से, माइक्रोफाइबर टॉवल से, उतना कर दिया है। प्लस कोशिश की, जो मैं आपको बता रहा था, कोशिश की इसको सीधा करने की, लेकिन वो काफ़ी बुरी तरीके से बेंट है। तो अंदर जो अपना इसका एरिया बना हुआ है वहाँ पे ये इन एनी केस फिट नहीं हो रहा। दैट इज़ अ प्रिटी यू नो काइंड ऑफ अ नॉट सो ग्रेट थिंग। सो कोशिश करी इसको यहाँ पे ठीक करने की, बट हुआ ही नहीं। एंड वो मुड़ गया था जहाँ से, तो वहाँ से उखड़ ही रहा था। सो इन एनी केस वी मेड द फेविटाइट एंड ये पर्टिकुलर एरिया के अंदर वाली साइड पे इसको भरना है। एंड वो भी नाइफ से जितना मैक्स टू मैक्स पॉसिबल था उतना यहाँ पे भर दिया। सो जैसे कि आप देख रहे हो अपनी स्क्रीन पे, ये एकदम ऐसे बढ़िया तरीके से भर दिया। एंड इसके बाद जो स्टार्टिंग में क्लैंप का मेथड था, उस पर्टिकुलर तरीके से ही इसको बांध दिया है एंड छोड़ दिया है इसको। सो दरवाज़ा नहीं बंद हो रहा था, तो मुझे भारी खड़ा होना पड़ा एंड 30-40 मिनट उसमें लगे। एंड उसके बाद गाइस, मैं अभी आपको रिजल्ट दिखाता हूँ। आई होप सो कि आपको रिजल्ट अच्छा लगेगा। सो ये क्लैंप को खोल रहे हैं एंड लेट्स सी कि नीचे अभी तक कोई मूवमेंट नहीं आई है, जबकि क्लैंप लूज हो चुका है। सो दैट इज़ अ प्रेटी गुड थिंग। सो अभी तक तो बहुत मज़ा आ रहा है ना। काश ये मज़ा थोड़ा लंबा चलता। बट एज सून एज ये कपड़ा हटाया एंड उसके बाद कार को थोड़ा सा यू नो जो पास डस्टर से क्लीन वगैरह किया, जिससे कि इसकी लुक एनहांस हो गई। एंड इतनी ही देर में, हार्डली 10 मिनट के अंदर अंदर यहाँ पे आपको कुछ इस तरह का नज़ारा वापस से देखने को मिला। तो बताना गाइस इन द कमेंट सेक्शन कि मैं क्या करूं इसको चिपकाने के लिए।